विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के उल्लंघन करने के कुल 106 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा FIR आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आपके खिलाफ सर्वाधिक 45 मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 21 जबकि कांग्रेस के खिलाफ 25 मामले दर्ज किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ 8 जबकि बाकी मामले अन्य राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होने हैं जबकि चुनाव परिणाम की घोषणा 10 फरवरी को होगी। बयान के मुताबिक सार्वजनिक संपत्तियों से 1402 होल्डिंग हटाए जा चुके हैं। शहर में 130 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।